हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपका जो भी अपने पार्टनर के साथ जिस भी नौइयत का जिस भी तरह का रिश्ता है, उसका फ्यूचर क्या है। रिगार्डलेस आप लोगों का रिलेशनशिप किस स्टेज और किस फेज में है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आप वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। कीप एन ओपन माइंड, ये रीडिंग सबसे मैच हो भी सकती है, सबसे मैच नहीं भी हो सकती, तो दिल मजबूत करके देखिएगा रीडिंग को, ठीक है। और दूसरा ये कि सबसे पहले ओरेकल से आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, क्या पॉपअप होकर आता है। फोकस करें आप अपने पार्टनर पर, अपने ऊपर, और देखते हैं कि क्या है इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। एंड टू मेंशन वन थिंग, कुछ लोगों को ये साउंड बहुत इरिटेट कर रही होती है। इट्स अ फैन साउंड, ये पंखे की हवा है, जो कि सीलिंग फ़ैन नहीं है, एक छोटा सा फ़ैन है, और डेफिनेटली ये मेरे बहुत करीब होता है, बिकॉज़ अगर मैं सीलिंग फ़ैन ऑन कर दूँ तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब मैं ये छोटा सा फ़ैन ऑन करती हूँ, उसकी भी आवाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ आप इसको बेयर कीजिए, बिकॉज समटाइम्स यू नो ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के साथ ही सर्वाइव करना होता है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग चैनल पर देखनी है तो आपको इस मुश्किल को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी लीड, ऑलराइट। एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप एम्ब्रेस, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप सीक द ट्रुथ, ओके। अगर मैं सिर्फ इन तीन कार्ड्स से देखूं तो ये काफ़ी डीप कार्ड हैं वैसे किसी रिलेशनशिप के फ्यूचर को बताने के लिए। इन टर्म्स ऑफ यू नो, या तो आप दोनों में से कोई इस इतना सीरियस किस्म का, सख्त किस्म का, जिसे कहना चाहिए ना कि ईगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा लीड करने वाला है, अथॉरिटी फिगर है, आपका शायद दिल किसी एक ऐसे पर्सन से लग गया जिसने कभी भी किसी के अंडर रहकर कोई काम नहीं किया। डे वन से इसको बहुत प्रोटोकॉल मिली है, आप खुद हो सकते हैं या ये आपके पर्सन हैं। ये बहुत बड़ी अथॉरिटी पर या कोई एक ऐसे पोजीशन पर हैं जहाँ पर, अगर मैं ये कहूँ कि आपका किसी ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप चल रहा है जिसने आपको सीक्रेट पार्टनर रखा हुआ है, तो गलत नहीं होगा। बिकॉज ये जो लीड पोजीशन और इतने अथॉरिटेटिव और इतने स्टबन किस्म के लोग होते हैं, वो पब्लिकली अपने आप को बहुत पॉइज में लेकर चल रहे होते हैं। वो चाहते नहीं है कि सर्कल में उनकी किसी कमज़ोरी का लोगों को पता चले। यही कमज़ोरी जो सिर्फ है वो सिर्फ शायद आप ही हैं। हो सकता है ये बात सबसे रेजोनेट ना करे, लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लीडर टाइप किस्म का पर्सन लग रहा है। अपने नॉर्म्स पर, अपने रूल्स पर, अपने मिजाज के डेकोरम को मेंटेन करने वाला। और ये एक ऐसा इंसान है कि शायद इसने कभी नहीं सोचा होगा, ये जिस वक्त आपको मिला होगा तब ये एक बहुत ही नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी पर्सन होगा, जिस वक्त इसका वजूद बिल्कुल इस तरह का होगा जो इसके पीछे एक शेडो है। लेकिन जिस तरह से इसकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है और अब एक इस फॉर्म में आ गया है कि इसके पास पावर भी आ गई है, इसके दिल को भी पता है, इसके पास एक पोजिशन भी है, एक थ्रॉन भी है, एक गाउन भी है, एक इमेज है, एक सोसाइटी में इसका एक नाम है, नेम फेम सब कुछ है, तब ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई है कि ये फ्यूचर में क्या होगा इस रिश्ते के साथ, क्योंकि इसकी पोजीशन कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अब हो सकता है इन्होंने आपको ये बात कही हो कि भाई ये जिस तरीके से भी जो चीज़ें हैं ना, इनको इसी तरह से कबूल करो, जो कुछ होगा अल्लाह के ऊपर है, जब होगा जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, अभी वक्त से पहले मुझसे कोई भी चीज़ ना मांगो। हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ हो। एंड बिसाइड्स दैट नंबर 7, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप असल में ख़ुद क्या चाहते हैं। सीक द ट्रुथ, आपको खुद ये पता होना चाहिए कि आया आप एक इल्यूजन के पीछे हैं, आप डिल्यूजन में हैं,
या आपको सच्चाई का मालूम भी है, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उसकी एक्चुअली पोजीशन है क्या, आप जानते भी हैं या नहीं। आपको सच जानने की खुद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस रिश्ते में खुद किस हद तक हैं, खुद किस हद तक आगे जा सकते हैं, कितना आपको जहन इजाज़त देता है, आप कितने पर्दों को खोलते हैं और कितनी हकीकतें आपके ऊपर रिवील होती हैं, उनको आप एम्ब्रेस करने के लिए भी तैयार हैं या नहीं। जो जो सच्चाइयाँ आपको इस पर्सन से रिलेटेड मिलती चली जा रही हैं, पता चलती चली जा रही हैं, वो आपके लिए डाइजेस्टिबल हैं या नहीं, ये यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बहुत तगड़ी किस्म की बन रही है। तो फ्यूचर इस रिलेशनशिप का अभी इन तीन कार्ड्स में देखा जाए तो एक तो ये कि गलत आदमी से दिल लगा बैठे, नॉट इन टर्म्स कि वो एक बैड कैरेक्टर का आदमी है, लेकिन आप अगर मैं कहूँ कि आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और आपका इसके बगैर जीने के बगैर गुजारा नहीं, तो ये कह सकते हैं कि राइट पर्सन इन रॉन्ग टाइमिंग्स। क्योंकि राइट पर्सन है और रॉन्ग टाइमिंग्स हैं तो हालात आपके फेवर में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा लग रहा है कि रिश्ता चलने दो, जैसा भी है रिश्ता चलने दो, इस रिश्ते में जो कुछ भी होगा हो जाएगा, अपने वक्त पर हो जाएगा। चीज़ों में जल्दी ना करो, चीज़ों में उजलत ना करो। एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, एक्सेप्ट करना, कबूल कर लेना, यानी मान लेना कि जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो रही है उसके ऊपर मैं एग्री हूँ। अब ये एक यूनिवर्सल टाइमिंग भी हो सकती है, डिवाइन टाइमिंग भी हो सकती है आपके लिए। आपको इस रिश्ते में रहते हुए भी बहुत कुछ पता चल रहा है जो आपके लिए खुद भी थोड़ा सा सस्पिशियस है। आप अपने पर्सन से इन सब बातों को डिस्कस करके जानना चाहते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अब एक स्टबन और एक ईगोइस्टिक मूड में हैं कि शायद वो इस पे बात इतनी करना नहीं चाहते, क्योंकि जो टाइम आप लोग पहले गुजार चुके हैं और इस वक्त जो आप लोगों का रिलेशनशिप एज अ पार्टनर जहाँ स्टैंड करता है, वहाँ आपके पार्टनर को लगता होगा कि यार ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, अब इन टॉपिक पर बात नहीं किया करो, कोई और बात करो। एंड दिस यूज़ टू मेक यू यू नो, आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती होगी, आपको होता होगा कि ये कोई हल नहीं है, ये कोई सलूशन नहीं है कि रिश्ते के रिश्ता कहाँ जा रहा है, इसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये कहाँ पर रुकेगा, इसका ये किस फॉर्म में जाकर एंड करेगा, उसके लिए आपको बहुत तजस्सुस होता होगा। आप इसको सीरियसली कंक्लूड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते होंगे। ज़ाहिर बात है आप तो एक काम में मसरूफ़ हैं, आप सिर्फ इस पर्सन की हद तक मसरूफ़ हैं और ये पर्सन पूरी दुनिया की हद तक मसरूफ़ है। आप इसके बारे में जो कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं वो डे टू डे मे बी या तो आपको अलार्म कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, कॉन्शियस कर रहा है या इनसिक्योर कर रहा है। और ये पर्सन आपके ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आपको जितनी भी चीज़ें महसूस हो रही हैं उसमें से इसको उसकी एक भी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इसको ये पता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, परेशानी आपकी तरफ हुई हुई है, ठीक है ना। लेट्स सी के वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। सबसे पहले इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ क्लैरिफाई कि यहाँ पर लीड कार्ड क्यों आया है। दो कार्ड्स आए हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। शुरू शुरू में जब आपका और इनका मिलाप हुआ होगा, जब आप दोनों एक पार्टनरशिप में आए होंगे, इन्होंने बिल्कुल डिसीजन में दो डोक बातें की होंगी। हम लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हम लोग ये करेंगे। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हम शादी कर लेंगे। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, अब तो शादी ही होनी है, मतलब बिल्कुल क्लियर। अब ये बहुत सारी अपनी बातों को लेकर डिफेंसिव हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमसे आप इनसे वक्त डिमांड करते होंगे, इनके पास कोई एक्सक्यूज़ होती होगी। आप इनसे कोई चीज़ पूछते होंगे, इनके पास बहुत सॉलिड आंसर होता होगा। आपने इनकी कोई चीज़ सच्चाई में निकाली होगी, इनके पास उसको अल्टरनेट एक्सक्यूज़ होती होगी, और ये अपना डिफेंड करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको पता होता है कि आपने इनको पकड़ कर जो है कोई ना कुछ टटोलना है, पूछना है, जिसके लिए ये बिल्कुल क्लियर है। ऑन दी अदर हैंड देखो, इस लीड कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन आपको लेकर डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने आपको लेकर कैसे चलना है, लेकिन जब आप उनसे डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। एम्ब्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एम्ब्रेस यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट ऑफ कप्स, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आजकल अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हो गए हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ पूछ रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो इन्होंने गुस्से में आकर, बहस में आकर, लड़ाई में आकर आपसे कह दिया होगा कि अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। किसी हद तक आपने प्लानिंग भी कर ली है, बिकॉज आपको लग रहा है कि अगर यही एक कड़वी सच्चाई है
कि मुझे इसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना है, मेरा बहुत कुछ पीछे रह गया, मेरा बहुत कुछ छूट गया, तो फिर मैं इस हकीकत को कबूल कर लूँ। ठीक है, सीक द ट्रुथ यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी, सीक द ट्रुथ यहाँ पर क्यों आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप आज़ाद थे, आप आज़ाद हैं और शायद आप आज़ाद ही रहेंगे, लेकिन सीक द ट्रुथ में यह है कि आप जब अपने पर्सन के बारे में इंक्वायर करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमेशा से एक फ्रीडम लाइफ गुजारना चाहते हैं, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आना चाहते। ये बहुत करिश्माटिक हैं, आप भी बहुत ज़्यादा करिश्माटिक हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हकीकत को जानना चाहें जो सीक द ट्रुथ का क्लैरिफायर है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन किसी कमिटमेंट में आना नहीं चाहते, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा सच्चाई को और इस रिश्ते की हकीकत को टटोलने की कोशिश करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो जाएगा कि आपके पर्सन फ़िलहाल एट द मोमेंट आपके रिलेशनशिप में कोई फाइनल क्लोजर देना नहीं चाहते। ठीक है, ये इन कार्ड्स के क्लेरिफायर्स थे। अब देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वेल घबराए मत, मैं देख लूँ पहले। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, थ्री ऑफ कप्स। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और ये आपको छुटने नहीं देना चाहते। मल्टीपल टाइम्स आप दोनों के दरमियान इस तरह की सिचुएशन आई है कि आप लोग जो हैं वो ये आपको, जब आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनके इनसे डिमांड करने लगते हैं, तो ये एक बिल्कुल अपना बहुत ही मुख्तलिफ सा रूप दिखाते हैं, और इतना मुख्तलिफ रूप दिखाते हैं कि आप बिल्कुल ऐसी पोजीशन में होते हैं कि ये किस जगह पर लाकर मुझको मारा जा रहा है। विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड और लेफ्ट आउट, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना करना, इन्होंने आपको बेबस बना दिया है, और ये काफ़ी कोल्ड और बहुत ही रूड से भी हो गए हैं। क्या रीज़न रही है, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है, आपके अपने ही किसी फ्रेंड ने आपका मामला ख़राब किया है। जो चीज़ आपकी अवेलेबिलिटी को फुलफ़िल कर सकती थी आपके पर्सन की नीड में, उस पर लिटरली किसी ने यहाँ पर डाका मारा है, बिकॉज कोई तो आया है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुई है। तो और आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं और गुस्से में और अपने डिफेंसिव मूड में और अथॉरिटेटिव मूड में और स्टबन मूड में इतना ज़्यादा रहते हैं कि आप चाहते हुए भी अपना राइट समझते हुए भी इनसे वो बात पूछ नहीं सकते कि ये मिजाज, ये बिहेवियर मेरे साथ क्यों हुआ हुआ है। और अगर ये आपके किसी करीबी दोस्त ने नहीं किया तो फिर वाकई थर्ड पार्टी कोई और है, इनका इंटरेस्ट जो है वो किसी और तरफ है। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के नीचे अगर थ्री ऑफ कप्स है, तो ये तो फिर बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन हमेशा ही एक रंगीन मिजाजी में रहेंगे। अब उनका पब्लिकली एक ऐसा ऑरा बना हुआ है कि कोई उन पर शक ही नहीं कर सकता, उनकी पर्सनालिटी बनी हुई ऐसी है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई इसका ये दूसरा रूप भी होगा जो कि इतना फ्लर्टिशियस, इतना फन लविंग और इतना हल्ला गुल्ला पार्टी करने वाला, इतना सेलिब्रेशन में बिल्कुल ही आउट हो जाने वाला, ये तो एक बंदा ही कोई अलग सा लगता है, तो बंदी कोई अलग सी लगती है। लेकिन ये बहुत सीरियस आपके साथ, तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहने लगे हैं, और आजकल तो मुझे लग रहा है आप लोग बिल्कुल भी अच्छे टर्म्स पे नहीं है। आप लिटरली इनसे इनकी तवज्जा, इनका वक्त, आप भीख मांगते हैं कि मुझे वक्त दो, मुझसे बात करो, तुम्हारे रवैये को क्या हुआ है, मेरे साथ इतने रूड क्यों हो, खातून हो या मर्द जो भी। और ये आपके इस बैगिंग एटीट्यूड को देखकर और ज़्यादा आप पे बैगिंग का लोड डाल देते हैं कि अच्छा ठीक है, तड़प रही है ना तो और ज़्यादा तड़पे, फ़िक्रमंद हो रही है ना तो और ज़्यादा फ़िक्रमंद हो। और फिर ये आप, अगर आपने किसी मोमेंट पर आकर ये कह दिया है कि मुझे मत छोड़ना, मैं हर हालत में तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, तो फिर ये आपके ऊपर अपनी इस थर्ड पार्टी का एक्सपोजर भी कर देंगे ताकि इनसिक्योरिटी और आपकी बढ़ जाए, और जो एक कॉम्प्लेक्स है ना, उस कॉम्प्लेक्स के साथ आप मजीद ज़िंदगी जिए। तो ऐसे घटिया इंसान के साथ, तो माजरत के साथ, बहुत बहुत माजरत के साथ आपकी मोहब्बत है, लेकिन अप्रोच बड़ी घटिया है। ठीक है, तो अब फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत कोल्ड हुए हुए हैं एक्चुअली,
और इस वक्त कोल्ड होने की बहुत बड़ी रीज़न एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, दोस्ती है, कोलीग है, कोई लाइफ में पार्टनर है या जो भी है, बट एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। मे बी ये जो सी द ट्रुथ वाली बात थी आपको बहुत देर में जाके पता चली होगी, जिसके लिए आप बार बार इनको इंक्वायर करते होंगे और ये आपको हमेशा कोई ना कोई ये कहानी बता देते होंगे। लेट सी ये तमाम चीज़ें यहाँ पर क्यों हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? द एम्परर, सेकेंड टाइम एम्परर आया है, नंबर फोर और नंबर फोर। दिस इज़ अ बिग कन्फर्मेशन कि आपके पर्सन एक बहुत अच्छी पोजिशन पर, एक बहुत अथॉरिटी फिगर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ये ज़िद्दी हैं, एज गैप है, इनकी पोजिशन सोशल सर्कल में बहुत तगड़ी है और ये वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी एक लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट भी है जिसमें मेरा ताल्लुक़ किसी एक ऐसे इंसान से भी है जिसके पीछे मैंने बहुत कुछ लुटाया पुटाया और पिटाया है, ठीक है ना। तो ये अपने इस पर्सनालिटी इम्प्रेशन में आपको बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाहते, ऑफिशियल नहीं करना चाहते। अगर आपके साथ अफेयर में भी हैं तो पब्लिकली बताना नहीं चाहते और बहुत सारे ऐसे ड्रामेबाजियाँ करते होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स द मून, इनसिक्योरिटी, इनको अपनी रेपुटेशन के खो जाने की बड़ी इनसिक्योरिटी, इसलिए ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हाउ टू कट आउट वाला मामला चला रहे हैं कि काटो इसको, साइड में करो और ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं। शुरू शुरू में सारे मज़े मिल गए तो ठीक है, अब इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा ना कमिटमेंट में आने की इनसिक्योरिटी हो रही है कि यार गले फिट ना हो जाए, गले में ना फंस जाए, क्यों मेरे गले पड़ रहे हो कुछ इस तरह की बातें, और बहुत ही अपना ना मेंटल ब्लॉक शो कर रहे हैं। ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ऐसा इनके दिमाग पे पर्दे पड़े हैं, आंखों पे पर्दे पड़े हैं कि जैसे ऐसा लग रहा होगा कि इनके साथ आपका ताल्लुक था ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी बट ये इस वक्त आपकी रीडिंग बहुत नेगेटिव आ रही है। आई एम वेरी सॉरी, मे बी आप वाकई इस चीज़ से गुजर रहे होंगे या गुजरे होंगे, बट अभी तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो उन्होंने शुरू के सारे मज़े कर लिए और अब जब फाइनल चीज़ें करने की बारी आ रही है तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जैसे मुझे तो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना था। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? लवर्स, इनका कहीं अफेयर चल पड़ा है, सॉरी टू से, और इनको शायद जब भी इनका किसी से अफेयर चलता है इनको लगता है कि जैसे यही बस वो आखिरी दुनिया में औरत है या ये दुनिया में वो आखिरी मर्द है, इसके बाद तो दुनिया डायनासोर्स में बदल जाएगी। तो वेरी सॉरी टू से इनका इस वक्त कहीं अफेयर चल रहा है जिसकी वजह से ये आपको बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड दे रहे हैं और ये आपको नहीं बता रहे हैं बिकॉज मैं क्लैरिफायर्स देख रही थी तो थ्री ऑफ कप्स के नीचे लवर्स का कार्ड है। मे बी एक जहन के कोने में आपके बैगिंग करने के अंदाज़ में इनको लगता होगा कि आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं दुनिया जहान में कहीं पे भी मुँह काला करूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन ये इसने तो मेरे पास हमेशा ही रहना है तो वाई नॉट टू इन्जॉय विद अदर्स टू। तो वो वाली चीज़ है, लेकिन ये पार्टी कर रहे हैं, ये किसी और से अफेयर चला रहे हैं और अगर आपको ये कबूल है तो फिर आप इन्हीं चीज़ों के साथ इनके साथ ज़िंदगी चलाएं। इस रिश्ते का कोई आपके सामने है, आप लोग बहुत अरसे से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, शादी नज़र नहीं आ रही मुझे, पार्टी नज़र आ रही है। हो सकता है कि क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो जाएं, ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने भी नहीं देते होंगे। मैजिशियन की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इतना ये आपके ऊपर कोई हल्ला मचाते होंगे, इतना कोई आपके ऊपर चीखो पुकार करते होंगे, आपको इतना इन्होंने रॉब में रखा हुआ होगा विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड और इतना रॉब करना, जैसे आप इनको छोड़ने की बात करते होंगे चीख चिल्ला कर ये अपना हर वो जोर आजमा लेते होंगे कि ये मेरे घेरे से ना निकले। नाराज़गी के बाद आपको ये मना भी लेते होंगे, लेकिन शादी, सॉरी टू से, नो चांस। सो आई एम वेरी सॉरी, आपका रिश्ता इसी तरह चलेगा। मैं इसको टॉक्सिक तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव भी नहीं कह सकती बिकॉज शुरू शुरू में आपके साथ जो कुछ होना था वो हो गया, आपने और इन्होंने मिलकर एक अच्छा टाइम गुजार लिया, लेकिन अब अगर ये अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर डिफेंसिव हैं तो इसका मतलब ये बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं, लेकिन इनकी पोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, अपना रॉब अपना दबदबा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इनसे लड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? एटलीस्ट फॉर नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देर इज़ नो शादी, ठीक है। कुछ और आपको क्लैरिफाई करना हो, आपको लग रहा हो कि आप इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।